लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश का विधायी तंत्र भी सक्रिय हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की सभी विधानसभाओं के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोरोना की ताजा स्थिति का जायजा लिया। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की ओर से किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा दिया और बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर चिंता जताई। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस वर्चुअल बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी को कोरोना से लड़ने और आम लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी विधानसभा की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जिससे कि पीड़ित लोगों की मदद की जा सके। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी विधायकों को या सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको इस कोरोना के प्रति सजग रहने के आदेश दिया और एक हमने विधानसभा के अंदर भी कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित किया है ताकि अगर कोई ऐसी जानकारी किसी दूसरे प्रदेश की पूरे देश के अंदर कहीं से भी आती है जहां सहायता की आवश्यकता है तो वो हम लोकसभा के जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हम आगे उसको सहायता प्रदान कर सकती है। जब तक कोई फैसले की कॉपी नहीं आती तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है। फैसले की कॉपी आने दो, उसके पश्चात उसके ऊपर देख करके निर्णय करेंगे। वही विधानसभा अध्यक्ष ने कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से स्टे मिलने पर कहा कि अभी कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जैसे ही फैसले की कॉपी आएगी तो उस पर गहनता से विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अभी प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द है और सदस्यता बरकरार करने पर आगामी समय में विचार होगा।